हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी बाय नाउ पे लेटर एप्लीकेशन लेकर आया हूँ। इस एप्लीकेशन से आप स्टार्टिंग पे 1,000 से लेकर 10,000 रुपए की बाय नाउ पे लेटर यहाँ पे सर्विस ले सकते हैं, और इस लिमिट को आप किसी भी क्यूआर कोड पे स्कैन करके आप इसको अपने बैंक अकाउंट पे ट्रांसफर भी यहाँ पे कर सकते हैं। आपका जो टाइम मिलेगा पूरे एक मंथ का आपको टाइम मिलेगा, 5 दिन का टाइम आपको बिल जनरेट का मिल जाएगा। इस एप्लीकेशन पे अगर आप इसको यूज करते हो तो यहाँ पे आपको 1 रुपए का भी यहाँ पे ब्याज नहीं देना, जितना आपको यूज करना है उतना आपको यहाँ पे वापिस कर देना है। और जो एप्लीकेशन एकदम RBS अप्रूव्ड एप्लीकेशन है, अब मैं चलता अपने मोबाइल की स्क्रीन पे आपको प्रॉपर डिटेल यहाँ पे शेयर कर दे रहा हूँ। आज मैं आपके लिए फिर से एक ऐसी एप्लीकेशन लेकर आया हूँ। इस एप्लीकेशन से आप स्टार्टिंग पे 1,000 से लेकर 10,000 रुपए की यहाँ पे लिमिट ले सकते हैं, और 5 मिनट के अंदर ही आप इस लिमिट को स्कैन करके किसी भी क्यूआर कोड पे अपने इसको बैंक अकाउंट में ट्रांसफर भी यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, हो सकता है आपको स्टार्टिंग पे यहाँ पे लिमिट कम मिले, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे मैंने इस यहाँ पे अप्लाई किया, इंस्टेंट मुझे पूरे 10,000 रुपए का यहाँ पे लोन का अप्रूवल यहाँ पे दिखा रहा है। तो आज मैं आपको इस एप्लीकेशन का जो लोन है तो लाइव प्रूफ भी आपको यहाँ पे अप्लाई करके दिखाऊंगा, कैसे आपको लोन के लिए अप्लाई करना है, कैसे आपको यहाँ पे लिमिट मिलेगी, तो सारा मैं आपको इसी वीडियो में यहाँ पे बताऊंगा। और उससे पहले जिस भाई ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी यहाँ पे प्रेस कर देना, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो लेकर आऊंगा उसका नोटिफिकेशन आप तक यहाँ पे पहुंच जाएगा। तो अब करते हैं वीडियो को यहाँ पे स्टार्ट। तो इसको अप्लाई करने के लिए आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे आपको टैप कर देना। जैसे आप कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे आपको टैप करेंगे तो सबसे पहले आपको वेरीफाई यूर आधार वाले ऑप्शन पे आपको टैप कर देना है। तो यहाँ पे लिखा है वेरीफाई, आपको सबसे पहले अपने आधार कार्ड को वेरीफाई करना पड़ेगा। आपके आधार कार्ड नंबर पे एक ओटीपी आएगा, ओटीपी को आपको सबमिट करना है, उसके बाद आपकी लिमिट यहाँ पे एक्टिवेट यहाँ पे हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं जल्दी से अपने आधार कार्ड नंबर यहाँ पे फिल कर दे रहा हूँ, तो आपको अपने आधार कार्ड नंबर यहाँ पे फिल कर देना है। एप्लीकेशन कौन सी है मैं आपको आगे चल के यहाँ पे बता दूंगा, पर उसके लिए आपको सबसे पहले वीडियो को कंप्लीट यहाँ पे देखने तो ही आपको पता चलेगा कैसे आपको इस एप्लीकेशन पे लोन के लिए अप्लाई करना है। तो यहाँ पे मैं जल्दी से अपने आधार कार्ड नंबर को फिल करता हूँ, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं मैंने अपने आधार कार्ड नंबर को यहाँ पे फिल किया, और जैसे मैंने अपने आधार कार्ड नंबर को यहाँ पे फिल किया उसके बाद आपको वेरीफाई वाले ऑप्शन पे आपको टैप कर देना है। तो उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको जो लिमिट मिलेगी स्टार्टिंग पे आपको 10,000 रुपए की आपको लिमिट मिलेगी। किसी भी क्यूआर कोड पे स्कैन आप इसको यहाँ पे कर सकते हैं, और रिपेमेंट का आपको यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे मिल जाए। तो यहाँ पे लिखा है पे इंस्टेंटली विद द यूपीआई क्रेडिट ऑन यूपीआई, तो आप इसको यूपीआई करके भी अपने बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर सकते हैं। आपको काफी सारे ऑनलाइन स्टोर भी यहाँ पे मिल जाएंगे, तो वहां पे भी आप इसकी लिमिट को यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो उसके बाद अगर आप इसकी रिपेमेंट को टाइम पे करते हैं उसके बाद आपको 1 लाख रुपए की यहाँ पे लिमिट मिल जाएगी, जिसका टाइम आपको पूरे 36 मंथ का यहाँ पे मिल जाएगा। तो अब करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं इसको यहाँ पे ओपन कर दे रहा हूँ। तो सबसे पहले आप एप्लीकेशन की रेटिंग को चेक कर सकते हैं, जो इसकी रेटिंग है 4.4 की इसकी रेटिंग है, और जिसके डाउनलोड यहाँ पे 10 लाख प्लस इसके यहाँ पे डाउनलोड है। तो काफ़ी लोगों ने इस एप्लीकेशन पे लोन भी अप्लाई किया है, क्योंकि जैसे आप इस एप्लीकेशन पे लोन के लिए अप्लाई करते हैं ना, तो यहाँ पे आपको 2 से 3 ऐसे ऑप्शन मिलेंगे जहाँ पे आप इसको इंस्टेंट यहाँ पे क्यूआर कोड पे स्कैन करके आप इसकी लिमिट को यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको इस एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना। जैसे आप इसको यहाँ पे डाउनलोड करेंगे आपको यहाँ पे ऐसा इंटरफेस मिलेगा। सबसे पहले आपको इसको यहाँ पे ओपन कर देना। जैसे ही मैं इसको यहाँ पे ओपन करूंगा मुझे यहाँ पे ऐसा इंटरफेस यहाँ पे मिल जाएगा। तो स्टार्टिंग पे मुझे यहाँ पे दिखाया था कि मुझे यहाँ पे 10,000 रुपए की लिमिट मिलेगी, पर मुझे यहाँ पे 10,000 रुपए की यहाँ पे लिमिट नहीं मिली। तो मुझे यहाँ पे जो लिमिट मिली है तो सिर्फ 500 रुपए की मुझे यहाँ पे लिमिट मिली है, और जो 500 रुपए की लिमिट है इसको मैं स्कैन करके किसी भी क्यूआर कोड पे इसको यहाँ पे अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर भी यहाँ पे कर सकता हूँ। उसके बाद आपको नीचे की तरफ और ऑप्शन मिलेगा क्रेडिट लिमिट अप टू 5 लाख, तो आप यहाँ पे 5 लाख रुपए की लिमिट भी यहाँ पे ले सकते हैं। साथ में आप यहाँ पे 10,000 की भी लिमिट ले सकते हैं, और उसके नीचे आप यहाँ पे 5 लाख रुपए की लिमिट भी यहाँ पे ले सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि लिमिट यहाँ पे अनब्लॉक लिमिट, तो यहाँ पे जो मेरी लिमिट है ना यहाँ पे अनब्लॉक पड़ी है। तो अभी मैं इसको आपके सामने यहाँ पे अप्लाई करके यहाँ पे दिखाऊंगा। तो अप्लाई करने से पहले आप यहाँ पे नीचे का ऑप्शन भी देख सकते हैं, 7% का आपको इंटरेस्ट लगेगा अगर आप इस एप्लीकेशन पे सेविंग अकाउंट को यहाँ पे ओपन करते हैं। तो यहाँ पे मुझे करना है कि आपको क्रेडिट वाले ऑप्शन पे आपको टैप कर देना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है आपको जो लिमिट है 5 लाख रुपए की, आपकी लिमिट यहाँ पे अनलॉक हो जाएगी। अब जो आपकी 5 लाख रुपए की लिमिट अनलॉक होगी उसको आप कैसे यहाँ पे यूज कर सकते हो, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप इसको सिर्फ KYC करके एक्टिवेट यहाँ पे कर सकते हो। यहाँ पे देख सकते हैं सिर्फ आपको सिंपल से 3 स्टेप को फॉलो करना है। सबसे पहला स्टेप यहाँ पे देख सकते हैं आपको KYC करनी है, उसके बाद आपको एक सेल्फी देनी है, उसके बाद आपको एक्टिवेट इसको यहाँ पे कर लेना है। उसके बाद आपको नीचे की तरफ आना, तो यहाँ पे आपको 2 से 3 ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएंगे। तो यहाँ पे मिला हुआ रिपेमेंट का आपको जो ऑप्शन मिलेगा ना, तो पूरे 36 मंथ का आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलने वाला। तो भाई देख सकते हैं कमाल की एप्लीकेशन है। आपको यहाँ पे 2 लिमिट मिलेगी, एक लिमिट आपको मिलेगी 1,000 से लेकर 10,000 रुपए की, और एक लिमिट मिलेगी आपको 1,000 से लेकर 5 लाख रुपए की। तो यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ के लिए इंटरेस्ट ओनली, तो यहाँ पे लिखा है जितना आप यहाँ पे यूज करोगे ना, जैसे आपको यहाँ पे लिमिट मिलेगी यहाँ पे 1 लाख रुपए की या 50,000 रुपए की, तो जितना आप इसको यूज करोगे उतना आपको यहाँ पे इंटरेस्ट यहाँ पे देना। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप इसको पढ़ भी सकते हैं कि यहाँ पे लिखा है कि इंटरेस्ट एन अमाउंट यूज, तो जितना आप यहाँ पे यूज करोगे उतना आपको इनको यहाँ पे इंटरेस्ट दे देना है।
तो यहाँ पे लिखा रिपेमेंट, तो यहाँ पे रिपे योर द रिक्वेस्ट फॉर लाइफ टाइम, तो लाइफ टाइम आपको लिए जो लिमिट मिलेगी ना, आपको लाइफ टाइम लिमिट यहाँ पे मिलने वाली है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है मोर प्रोफाइल, आपको जब प्रोफाइल पे करने हैं, ईमेल आईडी आपको डालनी है, मोबाइल नंबर आपको साइन अप करना है, 24x7 इनकी यहाँ पे हेल्प सर्विस यहाँ पे अवेलेबल है, तो जब भी आप इनसे यहाँ पे बात कर सकते हैं। उसके बाद इसको अप्लाई करने के लिए आपको करना है क्या, अनलॉक वाली लिमिट पे ऑप्शन पे आपको टैप करना है। तो जैसे आप इस पे टैप करेंगे तो यहाँ पे आपको करना है अपने मोबाइल नंबर को यहाँ पे एंटर कर देना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मोबाइल नंबर को एंटर करने के बाद आपको फुल नेम यहाँ पे डाल देना है, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ को डालना है, उसके बाद आपको जेंडर डालना है, उसके बाद आपको पैन कोड नंबर को यहाँ पे डाल देना है, जो भी आपका पैन नंबर है। उसके बाद आपके पे नीचे की तरफ ऑप्शन मिलेगा करंट पिन कोड, आपका जो भी यहाँ पे पिन कोड है आपके यहाँ पे डाल देना। तो यहाँ पे मैंने अपने पिन कोड को यहाँ पे डाल दिया। उसके बाद आपको ऊपर करना, तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन मिलेगा आपको यस, तो यहाँ पे लिखा हुआ है अगर आप सैलरी पर्सन है तो यस वाले ऑप्शन पे टैप करेंगे, अगर आप सैलरी पर्सन नहीं है तो ऑथर वाले ऑप्शन पे आपको टैप करना है। तो यहाँ पे मैं सैलरी पर्सन तो नहीं हूं तो मैं ऑथर वाले ऑप्शन पे आपको टैप करता हूँ। तो यहाँ पे लिखा हुआ है यू द कंफर्म यू द पार्ट टाइम कॉन्ट्रैक्ट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, तो यहाँ पे मैं पार्ट टाइम काम करता हूँ, जैसे भी काम करता हूँ। आपको यहाँ पे नॉन सैलरी वाले ऑप्शन पे टैप करना है, तो अपने हिसाब से आप जो भी यहाँ पे कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे मैं सैलरी वाले ऑप्शन पे आपको टैप करता हूँ, तो उसके बाद मुझे यहाँ पे यस वाले ऑप्शन पे आपको टैप कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे लिखा हुआ है मंथली टेक होम सैलरी आपकी कितनी है, जबकि सैलरी है ना कितनी, आपको कितनी सैलरी यहाँ पे डालनी है, आपको कम से कम यहाँ पे 35,000 तक की यहाँ पे सैलरी डालनी है। उसके बाद आपने यहाँ पे 35,000 की सैलरी डाली, तो यहाँ पे आपको ऊपर की तरह आना है। तो यहाँ पे दिखा रहा है पिन नंबर, आपको यहाँ पे डाल देना जो भी आपका पिन नंबर है। तो यहाँ पे आपको जो भी आपका पिन नंबर आपको डाल देना है, उसके बाद आपको यहाँ पे सारा कुछ यहाँ पे चेक कर लेना है अच्छे से। अगर आप फीमेल है तो फीमेल वाले ऑप्शन पे आपको टैप करना है, तो यहाँ पे आपको पैन कार्ड नंबर डालना है। तो उसके बाद आपको नीचे की तरफ एक ऑप्शन मिलेगा कन्फर्म एंड सबमिट का, आपको कन्फर्म एंड सबमिट वाले ऑप्शन पर आपको टैप कर देना। तो जैसे आप इस यहाँ पे टैप करेंगे तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना है, तो यहाँ पे देखते हैं कि हमारे यहाँ पे कितने की यहाँ पे लिमिट मिलती है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है अवेलेबल द यूवर द फिर, तो यहाँ पे देख सकते हैं प्लीज वेट का यहाँ पे ऑप्शन आ चुका है। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे दिखा रहा है यहाँ पे मुझे जो लिमिट मिली है ना पूरे 2,00,000 की मुझे यहाँ पे लिमिट मिली है। अब जो 2,00,000 की मुझे यहाँ पे लिमिट दिखा रहा है, यहाँ पे पहले 5,00,000 दिखा रहा था, अब यहाँ पे 2,00,000 दिखा रहा है। अब दिखा रहा है कि आप इसको यहाँ पे एक्टिवेट भी यहाँ पे कर सकते हैं। तो एक्टिवेट करने के लिए हमें को करना क्या, एक्टिवेट वाला हमें इस एप्लीकेशन से यहाँ पे लिमिट मिल चुकी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मुझे यहाँ पे पूरे 10,000 की यहाँ पे लिमिट मिल चुकी है। तो इसको मैं ईएमआई के ऊपर कन्वर्ट भी कर सकता हूँ। तो अभी मैं आपको इसको अपने बैंक खाते में आपको लेके भी यहाँ पे दिखाऊंगा। तो मैंने आपको जो लोन था लाइव प्रूफ आपने यहाँ पे अप्लाई किया, पैन कार्ड साथ में आधार कार्ड को सबमिट किया, तो इंस्टेंट मुझे यहाँ पे पूरे 10,000 की यहाँ पे लिमिट मिल चुकी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप अपने अकॉर्डिंग इसको कम भी कर सकते हैं, जितना आप इसको कम करेंगे उतना कम कर सकते हैं। साथ में आपको ईएमआई का टेनवर भी यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको ईएमआई का टेनवर मिलेगा, साथ में आप इसको अपने हिसाब से यहाँ पे कम कर सकते हैं। अभी मैं आपको चूज वाले ऑप्शन पे आपको टैप कर देना है। तो जो 10,000 की हमारी यहाँ पे लिमिट है, यहाँ पे देख सकते हैं मैं इसको 5 मंथ के लिए भी ले सकता हूँ, साथ में 6 मंथ के लिए भी यहाँ पे ले सकता हूँ। तो अगर मैं इसको 5 मंथ के लिए अप्लाई करता हूँ, मेरी जो ईएमआई बनेगी 2,204 मेरी ईएमआई बन जाएगी। अगर मैं इसको 6 मंथ के लिए अप्लाई करता हूँ, 1,866 मेरी यहाँ पे ईएमआई यहाँ पे बन जाएगी। तो इसको अप्लाई करने के लिए आपको करना है क्या, आपको अप्लाई वाले ऑप्शन पे आपको टैप कर देना है। तो जैसे आप अप्लाई वाले ऑप्शन पे आपको टैप करेंगे तो यहाँ पे आपको ऐसा ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपकी लिमिट यहाँ पे निकल के आ जाएगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं 10,000 की हमारी यहाँ पे लिमिट है, और यहाँ पे हमें जो टेनवर मिल रहा है 5 मंथ का, मुझे यहाँ पे टेनवर मिल रहा है, और 2,204 यहाँ पे मेरी ईएमआई यहाँ पे बन जाएगी। और यहाँ पे टोटल ऑल ईएमआई आपकी बनेगी, जो आपको टोटल दे रहे हैं 11,002 आपको यहाँ पे टोटल देना है, और फाइनल इंटरेस्ट रेट आपको यहाँ पे 24% से लेकर 53% पर हिसाब के यहाँ पे लगने वाला है। और यहाँ पे आपको अगर इंश्योरेंस करना है तो आप इसी इंश्योरेंस पोर्टल को यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। अगर आपको इंश्योरेंस नहीं करना आप इसको यहाँ पे बैक यहाँ पे कर सकते हैं, क्योंकि मुझे अभी इस लोन की यहाँ पे जरूरत नहीं है। अगर आपको इस लोन की यहाँ पे जरूरत है तो इस एप्लीकेशन पे लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि एप्लीकेशन यहाँ पे कौन सी है। तो सबसे पहले आप इसकी रेटिंग यहाँ पे देख सकते हैं, 4.0 की इसकी रेटिंग है, जिसके डाउनलोड यहाँ पे 10,00,000+ इसके यहाँ पे डाउनलोड है। तो काफ़ी लोगों ने इस एप्लीकेशन से यहाँ पे लोन लिया भी है। तो आप देख सकते हैं 4 की इसकी रेटिंग है, काफ़ी अच्छी इसकी रेटिंग यहाँ पे दिखाई जा रही है। उसके बाद आपको करना क्या, अबाउट सेक्शन पे आ जाना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं अबाउट सेक्शन पे आना है, तो यहाँ पे भी उन्होंने साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है आप यहाँ पे एक पे लेटर सर्विस यहाँ पे ले सकते हैं। उसके बाद आपका शो अपना पे लेटर, आप इसको यहाँ पे किसी भी क्यूआर कोड पे स्कैन इसको यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको स्टार्टिंग पे 10,000 की यहाँ पे लिमिट मिलेगी। यहाँ पे आपको दो एप्लीकेशन यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है, आप यहाँ पे ईएमआई के ऊपर भी लोन ले सकते हैं, साथ में यहाँ पे स्कैन पे वाली लिमिट भी यहाँ पे ले सकते हैं। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ऊपर करना होता है, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे इनका लैंडर पार्टनर यहाँ पे अवेलेबल है। तो यहाँ पे लिखा है पार्टनर लैंडबॉक्स, यहाँ पे लिखा हुआ है टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड एनडीएक्स फाइनेंशियल सर्विस, यहाँ पे जो एप्लीकेशन है आरबीएस अप्रूव्ड एप्लीकेशन है। तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है आप 3,03,000 से लेकर 5,00,000 का भी आप यहाँ पे लोन ले सकते हैं। इसको जब प्रोवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं मनी टैप, तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रो द फ्लेक्सिबल विद द फेरूपे, फेरूपे फ्लेक्सिबल
यहाँ मनी टैप भी इसको यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है। अगर आप इसको फेरू पे एप्लीकेशन पे अप्लाई करते हैं ना तो यहाँ पे आपको रिडक्ट करेगा सिर्फ मनी टैप पे, तो आप मनी टैप पे भी यहाँ पे लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे जो मुझे एक लिमिट मिली है तो वो मिली है फेरू पे से, और जो दूसरी लिमिट मिली है वो मुझे मिली है मनी टैप से। आप मनी टैप से भी यहाँ पे लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपको थोड़ा सा नीचे आना तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे इसके लेंडर यहाँ पे मिल जाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी बड़ी एप्लीकेशन है, यहाँ पे देख सकते हैं इसको काफ़ी जोर यहाँ पे लोग इसको यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं, तो अपने हिसाब से आप इसको यहाँ पे रीड कर सकते हैं। उसके बाद आपको थोड़ा सा ऊपर करना तो यहाँ पे आपको इसका कॉन्टैक्ट ईमेल सपोर्ट यहाँ पे मिल जाएगा। अगर आपको किसी प्रकार से कोई भी दिक्कत है ईमेल सपोर्ट से आप इनसे बात कर सकते हैं, साथ में आपको इनका एड्रेस भी यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो एप्लीकेशन है कब लॉन्च हुई थी आप देख सकते हैं, जो एप्लीकेशन थे 26 फरवरी 2021 को आई थी और 4 साल इस एप्लीकेशन का पे हो चुके हैं। अब बात करते हैं कि एप्लीकेशन यहाँ पे कौन सी है, तो यहाँ पे देख सकते हैं फेरू पे विद द सेफ ब्रो, तो जिसकी रेटिंग यहाँ पे देख सकते हैं 4.0 की इसकी रेटिंग है, 10 लाख प्लस इसके यहाँ पे डाउनलोड है। अगर आपको पैसों की इंस्टेंट इमरजेंसी है तो आप इस एप्लीकेशन पे लोन के लिए ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू दोस्तों।